अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सबका इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं नाज़िया करीम आज आपके सामने एक रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आज बनाने वाली हूँ भिंडी का खट्टा शेरवा। ये बनाना बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। ये हैदराबाद स्टाइल में है, ये हैदराबाद में बहुत फेमस है भिंडी का खट्टा शेरवा। इसे आप गोश्त डालकर भी बना सकते हैं, मैं विदाउट गोश्त का बता रही हूँ। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए मैंने लिया है प्रेशर कुकर, इसी में मैं डाल रही हूँ प्याज। मैंने प्याज लिया है 3 डली प्याज, बड़े साइज़ की, मीडियम साइज़ की प्याज लिया है। इसे बारीक बारीक स्लाइस कर लीजिए। इसी में ही हम डालेंगे टमाटर, कोथमीर, करियापक, इसी के अंदर मिक्स कर कर। मैं टमाटे ली हूँ 4 मीडियम साइज़ के। ये शेरवे में टमाटे ज़्यादा होना है, प्याज कम होना चाहिए, तभी तो हमारा खट्टा शेरवा अच्छा से बनेगा। अभी मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच। चलिए मैंने इसमें मसाले भी डाल दिया है, नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच। चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसी में डालेंगे ऑयल। मैंने इसे रख दिया है चूल्हे पर। देखिए मैं डाल रही हूँ 3 पल्ली ऑयल। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसी में ही डालूंगी पानी। मैं डाल रही हूँ 1/2 ग्लास पानी, ताकि टमाटे प्याज अच्छे से गल जाएं। मैं इसे लगाऊंगी 4-5 विजल्स पर, जब तक कि हमारे टमाटे भुने नहीं जाते, प्याज अच्छे से भुने नहीं जाती, हम इसे 5 विजल्स लगा देंगे। चलिए देखिए मैंने लिया है 1/4 किलो भिंडी। मैं इस तरीके की भिंडी ली हूँ, नरम मुलायम भिंडी होनी चाहिए, सख्त नहीं लेना है हमें। चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे कट करते हैं। देखिए इसे 2 टुकड़े करना है बीच से, इसके अंदर बीच में एक शाख मारना है इस तरीके से। एक एक पीस को ऐसे ही शाख मारते जाइए, रखते जाइए। एक भिंडी को 2 टुकड़े करिए। चलिए इसी तरीके से मैं सारे भिंडियों को कट कर लूँगी। चलिए देखते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए टमाटे और प्याज। इसे अब अच्छे से हमें भूनना है, जितना हम भूनेंगे उतना टेस्ट बढ़ेगा हमारे सलाद में। बस इसे भूनते रहिए 10 मिनट तक, ऐसे ही मीडियम आंच पर रखकर भूनते रहिए। चलिए इसी में ही अब मैं ऐड करूँगी भिंडी जो मैंने कट करके रखी थी। देखिए मसाले अच्छे से भुने गए हैं, कितना अच्छा मस्का हो गया है सालन हमारा। अब इसी में ही मैं डाली हूँ भिंडी। अब मैं भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसालों में। इसी में मैं डालूँगी 1/4 कप के उतना पानी डालकर मैं इसे रखूँगी 2 विजल्स पर, के हमारे भिंडी अच्छे से गल जाए। देखिए मैंने लिया है थोड़ी सी इमली, बस थोड़ी सी ली है मैंने, लेकर उसे भिगो कर रख दी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए भिंडियाँ अच्छे से गल चुके हैं, तेल छूटकर ऊपर आ चुका है, अब ये बनकर रेडी है। चलिए अब हम इसी में ही डालेंगे इमली का खट्टा पानी जो मैंने इमली के पल्प से निकाल कर रखा है। मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा इमली का खट्टा पानी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 ग्लास पानी। अब इसे मैं रखूँगी मीडियम आँच पर, जब तक हमारे और सारे भिंडे और गल जाएंगे अच्छे से। इसी में मैं डालूंगी हरे मिर्ची, मैं रखूंगी इसे 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। चलिए अब हम इसे रख देते हैं। देखिए ये अच्छे से पक चुका है, मैंने इसे मीडियम आंच पर रख दिया था 10 मिनट के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा पक रहा है। चलिए अब ये रेडी है डिश आउट करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है, भिंडी का खट्टा शेरवा हैदराबाद स्टाइल में। बहुत इजी, बहुत ही सिंपल रेसिपी थी ये। इसे बनाइएगा ज़रूर, आप लोग भी ट्राई करिएगा ज़रूर, इसे खाने में रोटी में बहुत ही टेस्टी लगेगा। चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब याद से करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट्स करिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।